सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आप सभी का आर्क सर्वाइवल असेंडेड के एक और नए एपिसोड में। सो गाइस, आज का जो वीडियो वो शुरू करने से पहले जो नए बंदे होंगे फटाफट वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। और इंट्रो मारने का टाइम नहीं है क्योंकि मेरी हेल्थ हो रही है खत्म भाई, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे सो मेरे बॉडी के ऊपर ना यहाँ पे घाव के निशान आ चुके हैं। ये इसलिए आए क्योंकि ठंड के रीजन से मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी डाउन हो रही है यहाँ पे। सो ठंड से बचने का बस एक ही तरीका है कि मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पे कैंप फायर बना लूँ भाई, स्टोन और फ्लिंट। भाई रुको गाइस, रुको, मरवाना नहीं यार मुझे, मरवाना नहीं है। मैं एक नहीं दो कैंप, एक ही बना लेता हूँ ना, दो बना लूँ भाई। घर तो एक तो मेरा छोटू सा है भाई, रुकना गाइस, ये मरवाना नहीं यार, प्लीज गाइज, प्लीज मरवाना नहीं भाई। मुझे ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं वुड डाल रहा हूँ इसके अंदर। हाँ ओके, गर्मी, हाई गर्मी, अरे हाई गर्मी नहीं मिल रही मुझे गाइज, गर्मी हाँ मिल रही थोड़ी थोड़ी गाइज, अभी हीट मुझे मिलना शुरू हो चुकी है। चलो अभी जो ना गाइज, मैं मरूंगा नहीं और थोड़े टाइम में वैसे यहाँ पर रात भी होने वाली है। अब मेरे पास अगर मीट अवेलेबल है तो मैं इसके अंदर डाल देता हूँ ना। अरे यार यहाँ पे कुक्ड मीट भी पड़ा हुआ है, ये मीट भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ रुको कुक करने के लिए, ठीक है। और ये मीट खा के ना मैं थोड़ा अपने आप को हील कर लेता हूँ। खाना कैसे खा रहा है भाई तू, अरे वाह भाई वाह, आंखों से खाना खा रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, चलो वेरी वेरी रियलिस्टिक भाई, लेट्स गो। अभी गाइस मुझे क्या करना है पता है, मैं नंगा पंगा अगर मैं ऐसे ही घूमता रहूँगा ना सो मेरी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाएगी। सो सबसे पहले मैं अपने लिए थोड़े से कपड़े वगैरह है वो बना लेता हूँ, कपड़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ऐसे ही नंगा पुंगा घूमता रहा सो गाइज समझ लो मेरी हो गई गाइज यहाँ पे टाइट फीस। मुझे हाइट चाहिए भाई कपड़े बनाने के लिए, और मेन चीज़ जो है वो फाइबर चाहिए गाइज थोड़ा, ठीक है। जितने ज़्यादा मैं क्लोथ्स बना सकता हूँ मैं बनाने की ट्राई करता हूँ, और उनको पहन के रख देता हूँ ताकि मुझे ठंड ज़्यादा जो है गाइज वो यहाँ पर ना लगे, और रात होने के बाद तो और भी ज़्यादा ठंड लगने वाली है। सो रात का मुझे कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, मैं दो कैंप फायर लगा दूंगा रात में अगर ज़्यादा ठंड बढ़ी ना तो। ओके आई थिंक से अभी मुझे और फाइबर की ज़रूरत है गाइस, मुझे फाइबर चाहिए काफ़ी सारा। ओए कपड़े कैसे लग रहे हैं, अरे भाई साहब कपड़े तो काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं गाइस यहाँ पे अपने कैरेक्टर के, हाँ लेट्स गो। मुझे बस यहाँ पे फाइबर चाहिए भाई, ये दौड़ने वाला एनिमेशन ना इसका एक नंबर लगा मुझे। अरे यार जैसे मैं बाहर आया वैसे मुझे भाई वापस से ठंड लगना शुरू हो चुकी है, मुझे जल्दी से कपड़े बनाने पड़ेंगे ताकि इस ठंडे ठंडे मौसम से जो है ना गाइस मैं बच पाऊँ, वरना तो भाई हो जाएगा मेरा कल्याण, में मर जाऊँगा गाइस एपिसोड नंबर टू पे ही। मुझे एक पैंट चाहिए, कैन आई क्राफ्ट वन पैंट, एक पैंट और एक, हाँ बन गया, चलो सारे कपड़े बन चुके। बट क्या ये मुझे यहाँ पर ठंड से बचाएंगे यार, इतनी ज़्यादा इस वाले एरिया में ठंड क्यों लग रही है। हाँ ठीक है, ठंड से तो मैं बच चुका हूँ गाइस, अभी मुझे ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है। एंड अभी अचानक से सूरज आ रहा है, सूरज जा रहा है, वो क्लाउड्स के रीजन से मैं बेसा हो रहा है। चलो कोई ना, मुझे अपना घर जो है ना कि उसका काम कंप्लीट करना है। घर के ऊपर ना मुझे ऐसा छत बनानी है, छप्पर लगा के, ठीक है। सो वो छत बनाने के लिए भी मुझे फाइबर तो कम पड़ेगा ही, क्योंकि घर में जितना फाइबर था वो हम लोग ने गाइस यहाँ पर यूज़ कर लिया है अपने कपड़े बनाने के लिए। सो थोड़ी फाइबर की कमी पड़ेगी, तो फटाफट से ना मैं यहाँ से फाइबर उठा लेता हूँ, फिर हम लोग हमारे घर का काम जो है ना वो कंप्लीट कर लेंगे। यार सच में भाई इस आर्क असेंडेड की ग्राफिक नेक्स्ट लेवल है भाई, नेक्स्ट लेवल है। टेमिंग वगैरह भी चालू होने वाली है, पहले खुद के रहने के लिए एक प्यारा सा घर बना लूं। कारनो वो क्या चीज है, वो कारनो भी नहीं है, वो चीज क्या है, रुको रुको, वहां पे कोई तो खतरनाक सी चीज मुझे दिखाई दी है, पता नहीं क्या है वो, मैं बाद में देखने के लिए जाऊंगा, पहले तो अपना घर कंप्लीट कर लूं। वुड चाहिए मुझे थोड़ा, वुड मैंने सारा यूज़ कर लिया क्या, नहीं ठीक है रुको, चप्पर 1 2 3 4 वुड वन, ये वाले चार बना लेने, ठीक है लेट्स गो। ये चीज़ क्या है, ईट टू गेन अ टाइनी अमाउंट ऑफ, ओके प्लांट कैन ग्रो यू, पता नहीं यार ये चीज़ क्या है। अच्छा कोई तो सीड है किसी तो तरह की, चलो मैं अभी पहले तो अपने घर का काम कंप्लीट कर लेता हूँ। मुझे पता नहीं गाइस कि घर पे हम लोग जो है ना गाइस डोर कैसे लगाएंगे, डोर भाई इसमें दिया ही नहीं है, एक डोर तो दिया है लेकिन वो कैसे लगेगा उसका कोई आइडिया नहीं है अभी तक मुझे। पहले तो मैं ओपी बोल दे रुको, छत छत छप्पर का काम भाई लोग, छप्पर छप्पर
चप्पर लगाओ ना, लगाओ लगना भाई। हाँ भाई ओपी यार, ओपी भाई सच में भाई खतरनाक यार। रुको क्या कम पड़ रहा है मुझे अभी, मुझे थैच कम पड़ रहा है आई थिंक से, थैच मेरे पास है ठीक है, नहीं है थैच मेरे पास नहीं है गाइस ठीक है। रुको मैं ये लगा देता हूँ ना, 1 2 3 लेट्स गो बॉयज। ठीक है ये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, अभी मुझे थैच चाहिए ना, सो मैं बाहर जाके स्टोन पहले मैं यहाँ पे डाल दूँ, इनकी ज़रूरत नहीं है ना। चलो मैं बाहर जाकर पहले हमारे लिए वो थैच इकट्ठा कर लेता हूँ। ये रहा मेरा प्यारा सा छोटू सा टाइनी सा घर, ठीक है चलो मैं थैच इकट्ठा कर लेता हूँ। वो थैच इकट्ठा करने से पहले मुझे वो सामने कौन सा डायन है वो देखना है। इग्वांडोन, इज दैट इग्वांडोन? देखने तो ऐसे ही लग रहा है। ओ ब्रायनिक्स 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 है वो, ब्रायनिक्स है, रहने दो भाई ब्रायनिक्स के नज़दीक में। एक मिनट रुक जाओ, मेरे पैंट के साइड में कौन सा बॉक्स बना हुआ है, देखो चीज़ें रखने के लिए एक बॉक्स बना हुआ है मेरे पैंट के साइड में, काफ़ी बढ़िया यार, काफ़ी बढ़िया है वो बॉक्स तो। चलो अभी फटाफट से मैं यहाँ पे थैच इकट्ठा कर लेता हूँ, और जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी ना वो बना के लेके चले जाता हूँ ना डायरेक्टली। मुझे क्या चाहिए था, वॉल चाहिए थी 2, ठीक है 1 2, और रूप चाहिए थी 2, ओके। इसके लिए आई थिंक से शायद अभी फाइबर कम पड़ेगा, थैच नहीं, शायद से हम लोग ने थैच मोर देन इनफ यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है, ओके फिर भी मैं इकट्ठा कर रहा हूँ यहाँ से जितना मिल रहा है उतना ज़्यादा थैच इकट्ठा कर रहा हूँ। सारे केले के जो पेड़ हैं वो तोड़ रहा हूँ मैं यहाँ पे भाई, केले के पेड़ जो है ना गाइज जैसे रियल में भाई एकदम झुंड में होते हैं ना, वैसे गाइज यहाँ पे भी एकदम झुंड में डाल दिए, झुंड में मतलब एक साथ नहीं बहुत सारे चिपके हुए होते केले के पेड़, सिम वैसे ही डाले गए केले के पेड़। पहले वाले आर्क में जो ना अलग अलग थे वो पेड़। रुको मैं अभी यहाँ पे ना अपने इसको रिपेयर करने के लिए थोड़े रिसोर्सेस इकट्ठा कर लिया और रिपेयर भी कर लिया उसको। चलो अभी घर पे चलते हैं और घर का काम पहले कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी घर का काम कंप्लीट करते करते यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा हमारा एक और नया चैनल है गाइस, जहाँ पे आर्क पीसी आर्क मोबाइल आर्क असेंडेड की वीडियो अपलोड होती रहती है और आगे अपलोड होने वाली है। उस नए चैनल का जो नाम है गाइज वो नाम है यहाँ पे, अरे यार मैंने सीलिंग बना ली, आर गेमिंग और गेमिंग विदानी। गेमिंग विदानी तो पुराना चैनल है, आर गेमिंग है ना वो नया चैनल है, यूट्यूब पे आप लोग सर्च कर सकते हो और दोनों चैनल का जो लिंक है वो आप सभी लोगों को मिल जाएगा कम्युनिटी टैब में, सो वहाँ से आप लोग हमारे दोनों चैनल को चेकआउट भी कर सकते हो ठीक है। अभी मुझे बस यहाँ पे फाइबर चाहिए, उसके बाद मेरा प्यारा सा छोटा सा जो घर है वो बन के रेडी हो जाएगा गाइस यहाँ पे ठीक है। मैं थोड़ा सा फाइबर इकट्ठा कर रहा हूँ बस, गिव मी सम फाइबर 1 2, थोड़ा और फाइबर चाहिए होगा। मैं डोर वगैरह का क्या सीन है ना वो भी ज़रा देख लेता हूँ ठीक है, मुझे डोर वगैरह जो है ना गाइस वो भी बना लेने यहाँ पे। यार मैंने एक एक्स्ट्रा बना लिया गलती से, मैंने एक एक्स्ट्रा बना लिया यहाँ पे, चलो कोई ना मैं इसको अभी यहाँ पे लगा देता हूँ। ये नहीं यार, अबे ये रूफ, अरे गाइस मैं बार बार ना सीलिंग बना रहा हूँ रूप समझ के, तभी मैं बोलूँ कुछ तो गड़बड़ है भाई, तभी मैं बोलूँ भाई लग क्यों नहीं रही है। ओके चलो अभी सही चीज़ बनाई है मैंने, ओके और जो वॉल बनाई है वो हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, एंड एक वॉल लगेगी यहाँ पे बराबर। अभी मेन चीज़ डोर इन थैच डोर एंड विंडो, थैच डोर्स एंड विंडो ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये डोर और विंडो है बराबर, मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। बड़े कैसे लगाऊंगा ये कोई बताएगा मुझे? ओ ये क्या है, ओ नहीं ये तो आर्क सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के जो है ना गाइस यहाँ पे वो दिए गए, देखना फॉलो अटैक सही है, देखना टेम देख रहे हो सही है भाई। रुको ये डोर कैसे लगेगा, ये टू प्रेस फ्लिप That's strange, बट कोई मुझे यह बताएगा कि ये डोर यहाँ पर लगेगा कैसे? डोर लगाने के लिए हम लोग को एक फ्रेम चाहिए होता है, वो अगर फ्रेम ही हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ये क्या अनलॉक कर दिया मैंने, यार मैंने गलत चीज़ अनलॉक कर दी, मुझे क्लब एंड बोला करना चाहिए था। रुको वो भी कर दूंगा मैं कोई ना, मुझे अभी क्या चाहिए था यहाँ पर मैं भूल गया, रुको मैं अभी थोड़े लेवल अप में पॉइंट डाल देता हूँ ठीक है। ओ मैं अभी आई थिंक से हाँ बोला अनलॉक कर सकता हूँ, मैं टेमिंग भी चालू कर सकता हूँ अभी बहुत ज़्यादा जल्दी। मुझे डोर का कुछ ना कुछ सीन देखना पड़ेगा गाइस,
अगर आपको कुछ आइडिया है तो बता देना गाइस कि ये डोर कैसे लगेगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मेरे दिमाग के ऊपर से जा रही है सारी चीज़ें। चलो अब एक चीज़ बन, एक नहीं दो चीज़ बनानी है मुझे, उसके लिए फाइबर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए उनको। जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। स्टोन की ज़रूरत शायद से ना पड़े, थैच की पड़ सकती है, नार्कोबेरी संभाल के रख देता हूँ। चलो अभी गाइस क्लब एंड बोला वो चीज़ बनाने वाले हम लोग, दो चीज़ें और टेमिंग चालू करने वाले। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि रात कब होगी भाई आर्क में। भाई ग्राफिक, आय हाय, देखो तो भाई, देखो तो क्या लग रही है यार, क्या लग रही है। रुको, ये बन गया अपना क्लब, इसके लिए स्टोन चाहिए, स्टोन तो मैं अभी इकट्ठा कर लूँगा। वो रहा गाइस मेरा छोटू सा झोपड़ा जो मैंने इतनी मेहनत से बनाया है दो एपिसोड लगा के, ठीक है। यहाँ पे स्टोन इकट्ठा कर लेता हूँ मैं और एक बना लेता हूँ गाइस बोला। अगर पीटी अभी तक स्टिल यहाँ पे उड़ रहा है तो हम लोग जाके उसको नॉकआउट कर लेते हैं और उसको टेम करने का काम हम लोग करेंगे, ठीक है। रुको मुझे देखने दो, एक चार लेवल का, अरे वो चार लेवल का पीटी तो वो दूसरे वाले वर्ल्ड में था ना, जो हम लोग ने रिसेट कर दिया वर्ल्ड, आपको पता ही होगा क्योंकि उसमें डिफ़िकल्टी हम लोग ने सिंपल सिलेक्ट करी थी, इसलिए उसको मैंने रिसेट ही कर दिया पूरा। अभी मुझे भाई एक काम कर लेता हूँ ना, पीटी ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। चलो एक काम कर दे गाइस, अब पहले तो मैं डोडो टेम कर लूँ। डोडो लेकिन क्या यहाँ पे बचे हुए हैं, पहले एक दो डोडो को टेम कर लेता हूँ मैं, उनसे जो ना कि अंडे हासिल करेंगे हम लोग, वो काफ़ी काम आएंगे हमारे, और उसके बाद मैं पीटी को टेम करने के लिए जाऊँगा, ठीक है। मुझे पहले यहाँ पे ढूंढने दो डोडोस को। भाई टर्टल, पहली बार टर्टल को देखने वाला हूँ मैं, ये देखना गाइस हमारा उल्ट टर्टल का बच्चा। अले ले 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 ले, कहाँ जा रहा है भाई? मम्मी के साथ जा रहा है, मम्मी के साथ जा रहा है। हेलो मम्मी जी, कैसे हो? आपका बच्चा बहुत क्यूट है गाइस, पुरानी याद है टर्टल के ऊपर बैठ के एकदम फ्री राइड करने का भाई। ये क्या? ओ डांस, ठीक है। इमोट आप बताएं मेरे को, इमोट वट मारेगा कब? ओ भाई वाट, ओ भाई बहुत सारे इमोट है। ये वाला मार, हाँ हाय, ओहो ओहो लेट्स गो। सारे मूड फ्री में दिए गए क्या? सारे मूड भाई फ्री में दिए गए हैं, ओके। पुप इमोट, एक्सलेंट एडवेंचर, ये वाला विगल टेल। अरे अरे भाई 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 भाई, ठीक है लेट्स गो भाई, काफी कूल गाइस यहाँ पे इमोट है। चलो भाई इमोट बाद में मारेंगे, अभी फिलहाल के लिए डोडो को डेम कर लेते हैं। हमारा मिशन है डोडो को डेम करना और वो हम लोग कंप्लीट करके रहेंगे भाई। लेकिन मुझे पहले कहीं डोडो मिल जाए, मैं जिस एरिया में जा रहा हूँ वहाँ पे ना स्पाइनोसोरस पाए जाते हैं, मुझे स्पाइनो के दर्शन ना भाई मिल जाए। डोडोस को टेम करने जा रहा हूँ तो स्पाइनो ना मिल जाए, थोड़ा सा जो ना कि बेरी वगैरह खाते खाते जा रहा हूँ मैं। ओए पीटी भी है गाइस, ओए सामने की तरफ एक पीटी है, उसको टेम कर दिया ना तो भाई मज़ा आ जाएगा। रुकना मैं इसको टेम कर लेता फटाफट से, इसको टेम कर लेता भाई। लेवल पता नहीं है लेकिन मुझे कितनी है, लेवल पता नहीं है, लो लेवल। अरे रुकना भाई, अरे यार भाई नीचे आ जाना भाई जल्दी वापस से। रुको मैं तब तक पानी पी लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ, वाटर फिजिक्स भी ऐड करी गई है इसमें तो, ठीक है। हाँ ये आ रहा है, ये आ रहा है। लेवल कितनी है भाई तुम्हारी? 5, 2, 12, हाँ चल जाएगा चल जाएगा। आइए ले 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 ब्रो, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, इसको बेहोश करके फटाफट से लेट्स गो गाइस। मैंने अपने फर्स्ट पीढ़ी को बेहोश कर लिया, बट इसको खिलाऊंगा क्या? मेरे खुद के भाई खाने के वांदे, मैं इसको क्या खिलाऊंगा? रुको भाई मैं जंगल में नहीं जाना सकता, जाना चाहता हूँ क्योंकि जंगल में मेरे साथ मंगल हो सकता है। मुझे डोडो वगैरह चाहिए गाइज। अरे वो रहा डोडो भाई, डोडो की भाई यहाँ पे मैंने डोडो को याद करा और डोडो हम लोग को मिल गया। रुको इसको मार देता हूँ, अभी इसको मारना पड़ेगा क्योंकि गाइज मुझे इसका अभी यहाँ पे हाइड भी चाहिए और मिड भी चाहिए, ठीक है। एक व्हाट ड्यूड, इसने मुझे बस एक मिड दिया है, रियली भाई ओनली वन मिड, मजाक कर रहे हो क्या? ओए हाय ग्राफिक्स, ओके। और ये मैं मीडियम पे खेल रहा हूँ गाइज, आपको बताऊं मीडियम पे खेल के इतनी खतरनाक ग्राफिक आपको देखने को मिल रही है। सोचो गाइज कि अगर हम लोग हाई ग्राफिक पे खेले तो कैसे लगेगा गेम भाई, एक नंबर जबरदस्त लगेगा।
अभी मैं क्या करूँ यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो चोर मेरे पीछे आ सकता है। आ गया नहीं। ए डोडू की आवाज आ रही है मुझे अंदर से। ओह ना, इट्स नॉट अ डोडू, इट्स कॉम्पी। कॉम्पी कॉम्पी, ये ले इधर आ। कॉम्पीज को मारते गाइस, कॉम्पीज को मारते। वो कॉम्पीज से हम लोग को हाइट मिल जाएगा काफी ज्यादा। अबे यार अरे भाई, कॉम्पीज का हमला गाइस, कॉम्पीज का हमला हो चुका है मेरे ऊपर यार। कॉम्पीज के एक झुंड ने हमला कर दिया है, मरने का नाम ही नहीं ले रहा। रुक, भागदा गाबे, रुक जा। इसको बेहोश भी कर दिया और मार भी दिया और खा भी गया, हार्वेस्ट भी कर दिया। ये गाइस आखिरी कॉम्पीज, लेट्स गो। मुझे गाइस काफी ज्यादा यहाँ पे मीट मिल चुका है। ये मीट मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। इसका फूड बार जो है गाइस वो डाउन होने में थोड़ा सा टाइम है, बट ये टेम हो जाएगा गाइस अभी तो भाई। लेकिन पीडी का, अरे यार इसको टेम करके क्या फायदा, हमारी उतनी लेवल ही नहीं है कि हम पीडी का सैडल यहाँ पे निकाल सके। इसको मुझे घर पे लेके जाके वैसे ही रखना पड़ेगा भाई। अरे यार चलो कोई ना, जब हमारी लेवल इनफ हो जाएगी ना तब हम लोग इस पीडी के लिए जो ना गाइस सैडल भी बना लेंगे, ठीक है अभी के लिए। ओके 0.0, ओ ऊपर ऐसा बार भी दिखाई दे रहा है। आर टू डिसमिट, ओल्ड आर टू डिसमिस, मतलब खा लिया इसने। कितना हुआ टाइम? अरे यार ये एक बारी में बस इतू सा टेम हुआ। अरे तो बेरी खा के रुक जाओ, इसके अंदर बेरी डालनी पड़ेगी क्योंकि इसको टेम होने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। लग रहा है आज का एपिसोड ना हमारे पीडी को टेम होने में ही निकल जाएगा। उसको मुझे सुरक्षित भी रखना है, उसके ऊपर ना कोई हमला ना कर दे। मेरा फर्स्ट पीडी है, मैं उसको मरने नहीं दूंगा। अपनी जान से ज्यादा उसको मैं संभाल के रखूंगा, भले मैं मर जाऊँ लेकिन मेरा पीडी नहीं मरना चाहिए। भले 12 लेवल का है गाइस वो, बट मेरे लिए भाई मेरी जान से भी ज्यादा प्यारा है। ये ले भाई तू, तो ये ले, तो आराम से डेम हो जा भाई, ठीक है। जब तक तू डेम हो रहा है तब तक मैं दूसरे काम कर लेता हूँ ना। मुझे अभी क्या करना है पता है? रुको, मैं ट्राइक वगैरह को टेम कर सकता हूँ। मैं बो बना लूँ क्या एक? अगर हाँ बो और एरो बना लेता हूँ ना गाइस मैं तो तब तक। और ट्रैंक वाले एरो तो अनलॉक नहीं है अभी तक, ठीक है। सो बो, अब बो तो बन रही है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एरो एक ही बन रही है क्योंकि हम लोग को थोड़ा फ्लिंट चाहिए। सो मैं यहाँ से फ्लिंट इकट्ठा कर लेता हूँ, रुको, और उससे हम लोग एरो बना लेंगे फटाफट से, ठीक है। काफ़ी सारी भर भर के एरो बना लेंगे हम लोग। मैं यहाँ से ना काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फ्लिंट इकट्ठा कर लेता हूँ। ये आ गया हमारे पास भर भर के फ्लिंट, ठीक है। इससे हम लोग बना लेते हैं काफ़ी सारी एरोज। काफ़ी सारे एरो तो बननी भाई क्योंकि फाइबर ख़त्म हो गया, ठीक है। रुको मैं फाइबर इकट्ठा कर लेता हूँ अभी। मुझे अभी यहाँ पे फाइबर भी थोड़ा सा गाइस इकट्ठा करना पड़ेगा लग रहा है। चलो मैं फाइबर भी गाइस इकट्ठा कर लेता हूँ, एंड तब तक तो हमारा पीडी गाइस टेम भी हो जाएगा। पीडी को टेम होने में वैसे काफ़ी ज़्यादा ही टाइम लगने वाला है, ठीक है। रखो सो मैं यहाँ पे कितने एरो बना पा रहा हूँ? अभी थैच कम पड़ रहा है यार, एक एक चीज़ भाई मुझे यहाँ पे कम पड़ते जा रही है। अभी बोल रहे कि थैच दे दो। रुको मैं एक काम करता हूँ, पहले तो मेरे इक्विपमेंट्स को मैं रिपेयर कर लूँ क्योंकि वो यहाँ पे टूटने को आ चुका है। टॉर्च वगैरह सबको रिपेयर कर लेता हूँ, एंड फटाफट से टैच वगैरह और फ्लिंट वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं वो इकट्ठा करके हम लोग जो है ना लगभग भाई 50 एरोज बना लेते हैं। ज़्यादा एरो नहीं बनाऊँगा। अरे यार पेड़ पीटी के ऊपर गिर गया, बट ठीक तो है ना भाई, ठीक तो है। 50% टेम होने वाला है अभी, ये देखना 50% टेम होने वाला है। बस खा ले यार, काले मेरे जान काले। 52% टेम हो चुका है गाइस हमारा प्यारा सा पीटी, ठीक है। इसको टेम होने में भाई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इजीली टेम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने कितनी टोटल एरो बना ली जरा मुझे एक बार देखने तो 11, वाव अभी तक बस मैंने 11 एरो ही बनाई है यार। मुझे काफ़ी सारे रिसोर्सेज चाहिए होंगे लग रहा है भाई, ऐसे लग रहा है गाइस कोई भाई एकदम खतरनाक वाला गेम खेल रहा हूँ। ये कौन सा पेड़ है? नया गेम, नया पेड़ डाला गया है यहाँ पे। ये पेड़ मैंने पहले नहीं देखा था, इसमें अलग अलग पेड़ वगैरह भी डाले गए। मैं थैच इसलिए इकट्ठा कर रहा हूँ गाइज ताकि मैं इसकी मदद से कम 50 एरो जो है गाइज वो बना सकूँ, ठीक है। और फ्लिंट भी चाहिए होगा मुझे, 50 एरो बनानी है तो 50 फ्लिंट तो कम से कम चाहिए होगा। सो वही गाइज अभी मैं यहाँ पे इकट्ठा कर रहा हूँ भाई। फ्लिंट तो नहीं लेकिन मुझे स्टोन ज़रूर ज़्यादा मिल रहा है, पिक एक्स से मुझे स्टोन ज़्यादा मिल रहा है। बताओ गाइज इस पिकैक से स्टोन ज़्यादा मिल रहा है जिससे फ्लिंट मिलना चाहिए, वो अभी फ्लिंट मिल रहा है वैसे। चलो थैच भी ले लेता हूँ थोड़ा सा। क्या हो गया भाई? टायर्ड हो गया ना,
ठीक है 25 और एरो बनानी है, 5 बन रही है, क्योंकि हमारे पास जो है ना फ्लिंट इनफ है ना ही गाइस यहाँ पे फाइबर इनफ है। रुको मैं फटाफट से 25 फ्लिंट टोटल जमा कर लेता हूँ। 10 हो गया, 12 हो गया, आई थिंक से 25 फ्लिंट जो है वो टोटल हम लोग ने जमा कर लिया है लग तो रहा है मुझे। कितना हो गया? हाँ 34। लेट्स गो, मैं इसको रिपेयर कर लेता हूँ। ओके एंड मुझे अभी फाइबर इकट्ठा करना है। शाम तो हो चुकी है जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ गाइज, शाम अभी यहाँ पे होना शुरू हो चुकी है और थोड़े समय में यहाँ पे रात हो जाएगी, और रात होने के बाद हम लोग करेंगे हमारी फर्स्ट नाइट आर्क असेंडेड में सर्वाइव। देखते हैं गाइस कि रात में ना ग्राफिक वगैरह कैसी दिखती है। और अभी टेमिंग वगैरह का काम भी मैं चालू करने वाला एकदम जोरों शोरों से। 25 ओनली 25 भाई, ओनली 25, क्योंकि मेरे पास 25 पहले से ही है, सो मैं ज़्यादा एरो बनाना नहीं चाहता हूँ। चलो 27 बन रहे तो बना लेता हूँ, ठीक है। और अभी हम लोग यहाँ पे अपनी जो बो है उसको भी लगा देंगे लाइक दिस। अरे यार यहाँ पे लाइक दिस, ठीक है। लेट्स गो बॉयज, ये तुम्हारे भाई का फर्स्ट वेपन, ठीक है। मैंने बना ली अपनी जिंदगी की सबसे पहली वेपन जो कि हमारी बो। ओ भाई क्या लग रहा है ना, किधर कहाँ से तो कहीं से तो आवाज़ आ रही है, डोडो वीडो की आवाज़ आ रही है। रहन दो, चलो गलती से पीडी को ना लग जाए। कितना हो गया गाइस? ये टेम होने वाला है ऑलमोस्ट, इसका टॉर्पुर बस उतर ना जाए। रुको मैं इसको एक दो ना मेजोबेरी खिला देता हूँ, ज़्यादा नहीं, अच्छा 5 खिला देता हूँ। रुको ठीक है, इसका भी फुटबार बस 40 और फुटबार डाउन होना बाकी है, उसके बाद हमारा फर्स्ट डायनो यहाँ पे टेम हो जाएगा जो रहेगा गाइस हमारा ये प्यारा सा पिड्डी। काफ़ी लो लेवल का है बट सबसे बड़ा भाई यहाँ पे चैलेंज हमारे लिए ये होने वाला है कि हम लोग ना भाई ये देखो किसी जड़ी बाहर निकल रही है यहाँ से, भाई पेड़ की जड़ें बाहर निकल रही है एकदम खतरनाक ना भाई, ओपी बोल दे यार। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहेगा पता है? इस पीडी का सैडल बनाने के लिए केरिटिन हासिल करना, क्योंकि ये सर्वर जो है गाइस वो मुझे उतना ज़्यादा केरिटिन एक आठ डायनो को मारने से नहीं देगा, मुझे भाई काफ़ी सारे डायनोज को मारना पड़ेगा एक पीडी का सैडल बनाने के लिए ताकि मुझे भाई केरिटिन मिल सके। चलो इसका और भाई 30 और फुटबार डाउन हो जाए उसके बाद पीडी टेम हो जाएगा। सो जब तक गाइस उसको फुटबार डाउन हो रहा है तब तक हम लोग ना आए ग्राफिक के मजे लेते यार। ओ शिट मैन गाइस कैसा लग रहा है देखो भाई यार, वो भी बोल दे भाई सच में लग नहीं रहा गाइस यार, क्या लग नहीं रहा गाइस यार के देख रहे हो, रे ट्रेसिंग जो है ना गाइस एक नंबर है भाई, शैडोज वगैरह एक नंबर जा रही है, सब कुछ एक नंबर है, एक ड्रॉप भी आ गया एक नंबर। चलो मैं ये ड्रॉप लूट लेता हूँ, बट यार यहाँ पे पिरानास वगैरह भी होगी सो थोड़ा संभल गया, इस वाले पानी में पिराना होती है मुझे पता है अच्छे से, पानी भी पी लेता हूँ मैं, थोड़ा ड्रॉप को भी लूट लेता हूँ। लेवल 15 to 29, अरे ए भागो, अरे यार पिरानास ने हमला कर दिया भाई, लाड़ में भाई लाड़ में पिराना आ रही है, मेरी लेवल 11 है यार, मुझे ग्रीन ड्रॉप लूटना था बट नहीं लूट पाया मैं। छोड़ो कोई ना, एक लेवल अप तो आ चुकी है, बस एक ही लेवल अप आई है, यहाँ पे ऊपर चढ़ जा भाई, लेट्स गो लेट्स गो बॉयज। चलो अभी पीडी को लेके ना हमारे घर पे चलते चुपचाप से, बहुत हो गया, चुपचाप से पीडी को उठाते और हमारे घर पे चलते हैं, फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। पीडी हो गया टेम, ओके गाइस। अरे यार मेरा अचीवमेंट भी कंप्लीट हो गया, योर फर्स्ट डायनो। तो गाइस इस पीडी को मैं क्या नाम दूँ मुझे नीचे कमेंट करके बताना, विसल पैसिव आ जा भाई, लेट्स गो। ये रहा गाइस मेरा फर्स्ट टेम, देखना मेरे पीछे पीछे कैसे घूम रहा है। और यार उसकी मूवमेंट स्पीड कुछ ज़्यादा ही नहीं लग रही आपको? मुझे तो इसकी मूवमेंट स्पीड काफ़ी ज़्यादा लग रही है भाई। यहाँ पे ऐसा छेद भी बना हुआ था क्या? ये पहाड़ी के बीच में एक छेद भी था क्या? ये मुझे पता नहीं था, मुझे अभी दिखाई दे रहा है कि इस पहाड़ी के बीच में एक्चुअली में एक छेद भी बना हुआ है। लेट्स गो बॉयज, पीडी को लेके आराम से अपने घर पे चलते हैं, शाम हो रही है और अगले एपिसोड में हम लोग जो है ना गाइस आप पे अपनी फर्स्ट नाइट स्पेंड करने वाले आर्क असेंडेड में। काफ़ी मज़ा आएगा यार, काफ़ी मज़ा आएगा, मिस नहीं करना गाइस बिल्कुल भी अगला वाला एपिसोड। बाकी तो फिलहाल के लिए हमारा आज का ये वाला जो एपिसोड है आर्क सर्वाइवल लेवल का, नहीं नहीं ब्रायनिक्स यार
भाई मैं नहीं जानता भाई, उसको वो मेरे घर पे आ गया ना पूरा घर उड़ा देगा। नहीं यार भाई वो पानी क्रॉस करके कैसे आ गया इधर, कौन उसको भाई पीछा करा करा के इधर लेके आ गया। रुको मैं उससे थोड़ा दूर ही रहूंगा, वो अगर मेरे घर पे आ गया ना तो एक पटके में मेरा घर उड़ा देगा, पता है आपको गाइज। मैं उससे दूर ही रहूंगा भाई। पीटी तू भी उससे दूर रहना ठीक है, मैं नहीं चाहता इतनी मुश्किल से टेम करा हुआ मेरा डायनो ना पहले दिन पे गाइज यहाँ पे मारा जाए। चलो तो फिर गाइज आज का ये वाला एपिसोड मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। मैं रुको गाइज, ये देखो ब्रायनिक्स मेरे ऊपर आज नहीं तो कल हमला करेगा, इसलिए मैं अपने पीटी को ना वहां पे बिठा देता हूँ, वहां पे जा जा मेरे शेर। ए थोड़ा पागल भी गले के इधर उड़ के भाई, उड़ के भाई उड़ के जाना पड़ेगा, चल के नहीं जा सकता। उसको पता नहीं कि उड़ना भाई, उड़ जा उड़ जा। अरे यार ये पीढ़ी पागल है भाई, सच में पीढ़ी पागल है मेरा, देखना कैसे घूम घूम के जा रहा भाई, कैसे ऊपर चढ़ेगा भाई। तो अभी चलो इसको थोड़ा बेस से मैं दूरी रखता हूँ, अगर ब्रायनिक्स ने मेरे ऊपर हमला कर दिया ना तो बेस उड़ा देगा चल जाएगा, बट पीटी को मारा ना उसने तो मुझे बहुत दुख होगा, इसलिए इस पीढ़ी को हम लोग थोड़ा सा बेस से दूरी रखते हैं। चलो फिर आज का ये वाला एपिसोड हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, अगले एपिसोड में फर्स्ट अपनी नाइट आर्क के हम लोग सर्वाइव करने वाले हैं। सो अगला एपिसोड मिस नहीं करना, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय गाइस, सी यू लेटर। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get